जरूर चेक करें। सर, हरियाणा पुलिस के बच्चे कुछ पंचकुला में बैठे हैं हंगर स्ट्राइक। कोर्ट के डिसीजन के कारण से वो सारा डिले हो रहा है, और हरियाणा पुलिस की भर्ती हमने अपनी ओर से तो रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन कहीं उसके ऊपर स्टे लगा दिया कोर्ट ने। जो उसका न्यूट्रलाइजेशन का एक मुद्दा है जो अभी जज सुन रहे हैं, बीच में कोई घटना हो गई थी कि वहाँ का कोई अंदर सुनवाई के समय का वीडियो जो है वो बाहर आ गया और वो सारा उसमें कोई कठिनाई आ गई, लंबा चल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो और हम उसकी ज्वाइनिंग कराएं। ये सरकार की ओर से विषय नहीं है, कोर्ट की ओर से। बच्चे कह रहे हैं कि एजी साहब ने थोड़ा सा, नहीं नहीं, एजी साहब को हमने कहा है, एजी साहब को कहा है कि वो स्वयं चाहे व्यक्तिगत बात भी करनी पड़ती है तब भी करें। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई लगता है कुछ मानो कहीं अंतर पड़ सकता है रिजल्ट में, तो कुछ प्रतिशत रोक करके बाकी ज्वाइन कराएं। हमने निवेदन ये भी कोर्ट को किया है कि सबका ज्वाइनिंग नहीं भी देनी है तो कोई 5% 10% रोक करके भी करा लेते हैं, ताकि कहीं रिजल्ट में अदल बदल करने से कुछ 10-20 बच्चों का अंतर भी आ जाए तो उसके अंदर पूरा हो सकता है। अन्यथा हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसका फॉलोआउट जो भी होगा उसके हिसाब से भी हम बाद में निर्णय ले सकते हैं। तो लेकिन अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। आपकी टीम का मूड कैसा है? आपकी टीम जो वो तो हमने परसों बताई दिया था। जरूर चेक करें। हरियाणा पुलिस के बच्चे कुछ पंचकुला में बैठे हैं हंगर स्ट्राइक। कोर्ट के डिसीजन के कारण से वो सारा डिले हो रहा है, और हरियाणा पुलिस की भर्ती हमने अपनी ओर से तो रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन कहीं उसके ऊपर स्टे लगा दिया कोर्ट ने। जो उसका न्यूट्रलाइजेशन का एक मुद्दा है जो अभी जज सुन रहे हैं, बीच में कोई घटना हो गई थी कि वहाँ का कोई अंदर सुनवाई के समय का वीडियो जो है वो बाहर आ गया और वो सारा उसमें कोई कठिनाई आ गई, लंबा चल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो और हम उसकी ज्वाइनिंग कराएं। ये सरकार की ओर से विषय नहीं है, कोर्ट की ओर से। एजी साहब से बच्चे कह रहे हैं कि एजी साहब ने थोड़ा सा, नहीं नहीं, एजी साहब को हमने कहा है, एजी साहब को कहा है कि वो स्वयं चाहे व्यक्तिगत बात भी करनी पड़ती है तब भी करें। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई लगता है कुछ मानो कहीं अंतर पड़ सकता है रिजल्ट में, तो कुछ प्रतिशत रोक करके बाकी ज्वाइन कराएं। हमने निवेदन ये भी कोर्ट को किया है कि सबका ज्वाइनिंग नहीं भी देनी है तो कोई 5% 10% रोक करके भी करा लेते हैं, ताकि कहीं रिजल्ट में अदल बदल करने से कुछ 10-20 बच्चों का अंतर भी आ जाए तो उसके अंदर पूरा हो सकता है। अन्यथा हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसका फॉलोआउट जो भी होगा उसके हिसाब से भी हम बाद में निर्णय ले सकते हैं। तो लेकिन अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। आपकी टीम का मूड कैसा है? आपकी टीम जो संवैधानिकों की मूड है कहीं ना कहीं, वो तो हमने परसों बताई दिया था। जरूर चेक करें। हरियाणा पुलिस के बच्चे कुछ पंचकुला में बैठे हैं हंगर स्ट्राइक। कोर्ट के डिसीजन के कारण से वो सारा डिले हो रहा है, और हरियाणा पुलिस की भर्ती हमने अपनी ओर से तो रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन कहीं उसके ऊपर स्टे लगा दिया कोर्ट ने। जो उसका न्यूट्रलाइजेशन का एक मुद्दा है जो अभी जज सुन रहे हैं, बीच में कोई घटना हो गई थी कि वहाँ का कोई अंदर सुनवाई के समय का वीडियो जो है वो बाहर आ गया और वो सारा उसमें कोई कठिनाई आ गई, लंबा चल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो और हम उसकी ज्वाइनिंग कराएं। ये सरकार की ओर से विषय नहीं है, कोर्ट की ओर से। बच्चे कह रहे हैं कि एजी साहब ने थोड़ा सा, नहीं नहीं, एजी साहब को हमने कहा है, एजी साहब को कहा है कि वो स्वयं चाहे व्यक्तिगत बात भी करनी पड़ती है तब भी करें। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर कोई लगता है कुछ मानो कहीं अंतर पड़ सकता है रिजल्ट में, तो कुछ प्रतिशत रोक करके बाकी ज्वाइन कराएं। हमने निवेदन ये भी कोर्ट को किया है कि सबका ज्वाइनिंग नहीं भी देनी है तो कोई 5% 10% रोक करके भी करा लेते हैं, ताकि कहीं रिजल्ट में अदल बदल करने से कुछ 10-20 बच्चों का अंतर भी आ जाए तो उसके अंदर पूरा हो सकता है। अन्यथा हम ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसका फॉलोआउट जो भी होगा उसके हिसाब से भी हम बाद में निर्णय ले सकते हैं। तो लेकिन अभी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी है, मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। आपकी टीम का मूड कैसा है? आपकी टीम जो संवैधानिकों की मूड है कहीं ना कहीं, वो तो हमने परसों बताई दिया था।